छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र 26 में चुनावी घमासान युद्ध स्तर पर है क्योंकि लोरमी विधानसभा में 18 प्रत्याशी चुनाव पर हैं, तो वहीं 3 विशेष पार्टी में दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टोकन साहू लोरमी से मौजूदा विधायक, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न चंद्रकांत जो वर्तमान में मुंगेली जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, जिनकी काफी पकड़ क्षेत्र में मानी जा सकती है। वहीं तीसरा मोर्चा के रूप में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रत्याशी धर्मजीत सिंह लोरमी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं लोरमी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने महिला भी सशक्त दिखाई दे रही हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने गांव गांव जा रही महिला मोर्चा के साथ भाजपा प्रत्याशी की पत्नी लीलावती साहू, तो दूसरी तरफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए दिखाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी भी घर घर जाकर लोगों से मिलकर कांग्रेस में वोट डालने की विनती कर रही है और आगे इसका पल्ला भारी हो सकता है अभी कहा नहीं जा सकता। गांव गांव घर घर जाके वोट मांगे हैं। 5 साल पति लोरमी विधायक थे, क्षेत्र में विकास करे, वही विकास के लिए फिर वोट मांगे हैं।